लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जो नई नियमावली लाई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो बीएड पास है उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं। अभी तक है कि डीएलएड वाले ही 1-5 में जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बीएड किए हुए हैं वर्षों से, पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो फॉर्म भर भी देंगे तो सरकार क्या गारंटी देगी कि 1-5 में उनका सिलेक्शन होगा और उनको जॉब मिलेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो 6-8 का जितना भी सीट खाली है, सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप 6-8 की जितनी रिक्तियाँ हैं उन सब पे वैकेंसी निकालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी में है। इसके बाद 2011 के बाद STET परीक्षा आर्ट्स विषय के लिए नहीं हुआ है। जो 2019 का चल रहा था वो साइंस के कुछ सब्जेक्ट के लिए हुआ, अभी कॉमर्स के लिए हुआ, लेकिन आर्ट्स विषय के लिए हुआ ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आर्ट्स विषय के लिए, तो फिर आप वैकेंसी तो निकाल दिए, 1,70,000 दिखा दिए, उसमें भी नियोजित शिक्षक भी भरेंगे, तो फिर ये जो पूरा सीट है वो भरेगा ही नहीं, खाली रह जाएगा इसमें सीट। क्योंकि अब जितना अभ्यर्थी पास कर चुके हैं पात्रता परीक्षा, आप उससे ज़्यादा रिक्ति है बिहार में, लेकिन लोग फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उस विषय के लिए STET हुआ ही नहीं, और सीटेट जो पास है वो 11-12 के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या रास्ता निकाला जाए कि अभ्यर्थी फॉर्म भर सके। और इसके अलावा जो अपियरिंग वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, सीटेट पास कर चुके हैं, उनका बीएड का रिजल्ट आने वाला है किन्हीं का जुलाई में, किन्हीं का जून में, तो उनको भी मौका दिया जाए अपियरिंग में फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। और इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। तो सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले शिक्षक बहाली में, चूँकि हर साल तो शिक्षक बहाली आती नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा रास्ता निकालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भर सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अग्रसर हो सके, शिक्षा विभाग भी अग्रसर हो सके, बिहार सरकार अग्रसर हो सके और शिक्षक भी हो सके। और एक और पॉइंट है कि नियोजित शिक्षक जो 4 लाख है लगभग, और जो नए अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी, दोनों को आप एक साथ परीक्षा ले रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। आपको दोनों का अलग अलग परीक्षा लेना चाहिए। अगर नियोजित शिक्षक को आपको लेना है परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, आप कह रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि आप बिना शर्त नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, क्योंकि उनकी भी नियुक्ति नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ है, किसी और के काल में नहीं हुआ है। तो आप उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और उसके बाद आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए, या BPSC से ही लेना है तो उनका अलग से परीक्षा लीजिए नियोजित शिक्षक का। आप फ्रेश जो ले रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी है शिक्षक अभ्यर्थी, उनके साथ उनको मत मिलाइए, अलग अलग एग्जाम लीजिए, ये हमारी मांग है। पारदर्शिता रहे, जिसका तो चर्चा BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा ही है कि पारदर्शिता रहेगी, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं BPSC के चेयरमैन साहब को कि उन्होंने इस बात को रखा है कि हम पारदर्शिता लाएंगे और धांधली सेटिंग नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगी, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को। साथ ही नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं, जब आप बिहार में 10-20 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह की वैकेंसी निकाल रहे हैं जिसमें कि अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो आधा से ज़्यादा सीट तो खाली रह जाएगा, तो फिर नौकरी किन को मिलेगी? तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, 6-8 का आप जितना भी रिक्ति है उस पर वैकेंसी निकालिए, नियोजित शिक्षक के लिए अलग और फ्रेश जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए अलग एग्जाम लीजिए, यही हमारी मांग है। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।